सामान सारा ढो ले रही। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। अबे कौन है तू? हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बाते कहाँ से। ठीक है ये फिर आराम से सो रहा था, फिर सोते फिर घर पे आ गए, फ्रिज खोल के देखता है सारी सब्जियां गायब हो गई थी। ये सोच रहा था पूरा चिवटी सारी लोग ले चली गई। फिर बेड पे लग रहा है, लगता है देखने, फिर नीचे से आग लगती है, फिर वो चाप के आग लगा रहा था। ये दोनों में लड़ाई हो जाती है आग के मटके में। फिर लगता है देखने उसको भी अंदर खींच लेता है। उसको उसमें बंद कर देता है, फिर चाकू में धार लगाता है काटने लिए उसको। फिर पीछे उसके पीछे लगा रहा था बर्गर बना के चांप को खा रहा था। सिस्टम पार देंगे। ये बत्तख दोनों गिलहरी को पेड़ काटने के जाती है, लेती है सामान लेके आती है। ये दोनों गिलहरी अखरोट जमा कर रहे थे, फिर अखरोट आने जाते हैं, अखरोट बन के फिर फरुआ लिया के आती है खान के और ट्रेन पे अपने पेड़ जाके लगा देती है, छोटा सा पेड़ लगा फिर चली जाती है। ये दोनों आते हैं चढ़ते, बोलते हैं पेड़ कहाँ गया बड़ा वाला। क्या रे भीख मांग गया? फिर वो दोनों गिलहरी घर जाते हैं, इसको फिर उल्टा करके झाने लगती है उसको। फिर दोनों भाग जाते हैं डर के मारे, फिर पेड़ लगा के चली जाती है। फिर लोग सोचते हैं मेरा पेड़ कहाँ गया, फिर देखते हैं वो तो लेके जा रहा था ट्रेन से अपने। फिर दोनों भाग के जाते हैं, जाके दोनों देखते हैं तो गाड़ी से लेके जा रहा था, बोलते हैं चलते छक करके ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। ट्रेन चढ़ के रोक देते हैं, रोकते हैं तो बत्तख गिरता है पानी में धड़ाम से। फिर जाते हैं लोग पेड़ उठता है ये लोग से। ए बिल्ला एक मुर्गी का अपने हाथ में चित्र बनाता है, टोपी पहना के बैठा देता है कुरेई में। कुरेई में बैठाने के बाद वो बुलाता है सिटी मार्ट, स्वागत तो करो हमारा। उसके पास पहुंच के चुम्मा चाटी करने लगती है, तभी गुलती हाय हाय। फिर गुली में उसके पर आता है, उसका टोपा उसके उन्हीं पर आता है, तुमने मुझे धोखा दिया। और उसका टोपी फिर अपने पहरता है, पहरता है। बिल्ला चाँप के खाता है, फिर बोलता है मैं तो अपनी उंगली खाता है। मुर्गी का घर बना के अपने सर पे पहन लेता है, फिर जाता है अथवा शर्ट पे चढ़ जाता है। मैं आ जाता है डर के मारे, फिर अपने घर में आ जाता है। बिल्ला फिर खम्भे से नीचे उतर के भागता है बहुत जोर से, फिर उसकी आंख में दिखने लगती है। ये चील केला छील के फेंकता है नीचे। तभी शेर उठता है, वो पीछे बना रहा था बर्गर खूब मसाला साला बाकायदे से डाल के बना रहा था। तभी बोलता है बहुत तेज भूख लगी जल्दी बनाओ। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। तभी शेर खाते ऊपर पहुंच जाता है। चिल तो बहुत दयालु था, टेबल लिया के लगा देता है उसके, उसी में वो गिर जाता है। शेर बहुत गुस्सा होता है, फिर उसको लगता है चुप कर मुंह बंद हराम जादे। तभी वो शेर ऊपर चढ़ता है, उसको जबरी ठेल देता है, नीचे गिर जाता है। तभी शेर बहुत परेशान था, चला जाता है रॉकेट से ऊपर चला जाता है वो। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एक गुफा के सामने बैठ जाता है। ए मुर्गी मुर्गी की तरफ मटकते हुए जाती है, हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। महेश तल्ले मुर्गा सारे मुर्गे को बताता है मटकने वाली मुर्गी आई है। तभी वो देख के सब लोग को मेकअप करने लगती है, फिर निकाल के पर्चा सबको थमाती है, बोलती है मेरे हवेली पे आ जाना मसाज कराने। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तभी सारे मुर्गे अपना काम धंधा छोड़ के मालिश करने निकल जाते हैं उसके घर पे। बात 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 दुकान में पहुंच जाते हैं मसाज कराने के लिए। तभी एक मुर्गा आता है, पूरा गांव सन्नाटा छाया होता है। सबके घर में झांक के देखता है, कोई नहीं रहता। इधर उधर झांक के देख, सबके घर में देखता है, कोई नहीं रहता। फिर जाता है एक पर्चा पाता है, बोलता है सब मुर्गे निठल्ले चल गए हैं मसाज कराने। अरे कूले कूले वो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अब मैं क्या?